नमस्कार। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री में टेस्ट पेपर दे रहे हैं आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर, अर्थात विद्युत रसायन पर टेस्ट पेपर आपको दिया जा रहा है। बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन की जो यूनिट है, इकाई है, वो 5 मार्क्स की है। इस टेस्ट पेपर में कुल 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 मार्क का है, यानी कुल 50 मार्क का टेस्ट पेपर है ये। आइए हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विथ डायग्राम। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसका नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। क्वेश्चन नंबर टू, फॉर स्टैंडर्ड सेल, एक यहाँ पर देखिए सेल रिएक्शन दी है। ये यहाँ पर कॉपर सॉलिड, कॉपर आयन, और ये हाफ सेल इधर, और दूसरा हाफ सेल में Ag प्लस एक्वस यानी जली सॉल्यूशन है इसका, और Ag का इलेक्ट्रोड है। EMF दिया है कॉपर इलेक्ट्रोड का प्लस 0.34 वोल्ट, और सिल्वर इलेक्ट्रोड का दिया है प्लस 0.80 वोल्ट। आपको करना है आइडेंटिफाई कैथोड एंड एनोड इन द सेल। बी है राइट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन हेल्ड एट इलेक्ट्रोड, और सी कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। तो ये जो सेल रिएक्शन देख रहे हैं, इससे आपको ये जो है क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। एक मानक सेल दिया है, उसमें कॉपर इलेक्ट्रोड हाफ सेल में है, सिल्वर इलेक्ट्रोड हाफ सेल में है। EMF कॉपर इलेक्ट्रोड का है प्लस 0.34 वोल्ट, और EMF सिल्वर इलेक्ट्रोड का है प्लस 0.80 वोल्ट। तो आपको सेल के एनोड और कैथोड की पहचान कीजिए, एक क्वेश्चन है। बी है इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया की समीकरण दीजिए, और सी है सेल के EMF की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज कोलराश लॉ? राइट इट्स फॉर एप्लीकेशन। कोलराश का नियम क्या है, इसके 4 अनुप्रयोग लिखिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है, कोलराश का नियम और इसके अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज सेल कांस्टेंट? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट? सेल स्थिरांक क्या है, विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक में क्या संबंध है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, अर्थात विद्युत अपघटन की चालकता को प्रभावित करने वाले जो है कारक आपको समझाना है। कौन कौन से कारक विद्युत अपघटन की चालकता को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज नर्नेस्ट इक्वेशन? डिराइव नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नर्नेस्ट समीकरण क्या है, एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्नेस्ट समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो ये समीकरण भी जो है परीक्षा में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर सेवन, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 2.48 × 10⁻³ ohm inverse centimeter inverse. Then find out molar conductivity of solution. Specific conductivity दी है, तो आपको molar conductivity निकालना है। 0.02 mol per liter KCl विलयन की 298 केल्विन ताप पर विशिष्ट चालकता 2.48 × 10⁻³ ohm inverse centimeter inverse है, तो विलयन की molar चालकता आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता में क्या संबंध है, उस आधार पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर एट, इफ आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ बेरियम आयन एंड क्लोराइड आयन आर 127.30 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड 76.34 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड आउट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 एट इनफिनिट डाइल्यूशन। यदि बेरियम आयन एवं क्लोराइड आयन की आयनिक चालकता क्रमशः 127.30 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है
एवं 76.34 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो BaCl2 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको बेरियम और क्लोराइड आयन की आयनिक चालकता से BaCl2 की मोलर चालकता ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एसिटिक एसिड एट इन्फिनिट डाइल्यूशन अर्थात अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत वटिक एसिड अम्ल की आणविक चालकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो पोटेशियम एसिटेट की मोलर चालकता दी है 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दी है और HCl की दी है 426 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। पोटेशियम क्लोराइड की दी है 126 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इन डाटा की सहायता से आपको एसिटिक एसिड यानी CH3COOH की मोलर चालकता आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इन्फिनिट डाइल्यूशन अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अवघट NH4OH की आणविक चालकता ज्ञात करना है। यदि NH4Cl की जो चालकता दी है वो है 129.34 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। NaOH की आणविक चालकता दी है 249.21 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता दी है 126.45 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इन की सहायता से आपको जो है डाटा कैलकुलेट करना है। थैंक यू। तो ये था आपका जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।